अब ना हम लोग जादू कर रहे हैं, मतलब आप कुछ भी बोलो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, मैं तो इन सब को जादूगरी मानता हूँ। आज अपन मैजिकल सीड्स के बारे में जानेंगे, जादुई बीज जिन्हें साइंटिस्ट क्वांटम डॉट्स कहते हैं। वैसे तो इनके लिए 2023 का केमिस्ट्री नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन इसके पीछे छुपी है बेहतरीन क्वांटम फिजिक्स। इन नोबेल लॉरिएट्स ने जो काम किया है वो प्राइमरीली केमिस्ट वाला काम, कुकिंग, ब्रेकिंग बैड, ऑल साइंस इज ईदर फिजिक्स और स्टैम्प कलेक्टिंग। ये छोटे छोटे मैजिकल डॉट्स हमारी दुनिया को बड़े स्तर पर प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। हमारे शरीर के कुछ बायो मॉलिक्यूल्स में क्वांटम डॉट्स को अटैच किया जा सकता है। भविष्य कोई नहीं बता सकता, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि फ्यूचर में एक्साइटमेंट की कमी नहीं होगी। पार्टिकल इन अ बॉक्स, और मैं आपको पहले से चेताई दे रहा हूँ कि अगर आपका क्वांटम मैकेनिक्स से परिचय नहीं हुआ है तो ये आपको बहुत अजीब लगेगा। पहले अपन क्वांटम मैकेनिक्स और सेमीकंडक्टर फिजिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर क्वांटम डॉट्स की कहानी पे आएंगे। आप ये सब जान के मतलब आश्चर्य से भर जाएंगे, आप सोचेंगे ये दुनिया कितनी अजीब है, और हम कितना भी दावा कर लें कि हम सब समझ चुके हैं, लेकिन जो हो रहा है किसी जादू से कम नहीं है। आज हम एक जादुई सीक्रेट के बारे में जानेंगे जिसे वैज्ञानिकों ने रिसेंटली अनकवर किया है, और इस सीक्रेट को समझकर मटेरियल्स का एक नया डायमेंशन अनलॉक हो गया है। अब इससे काफी कूल काम किए जा रहे हैं और भविष्य में तो इससे बहुत बेहतरीन काम किए जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। मतलब इस वीडियो में हम क्वांटम डॉट्स की पूरी कहानी बहुत विस्तार में जानेंगे। सदियों तक हमारे पूर्वज कई धातुओं व रसायनों को समझने में लगे रहे, इससे एल्केमी जैसी प्रैक्टिस चलन में आई। लेकिन अपनी सीमित समझ और संसाधनों के चलते प्राचीन लोग केमिकल्स को बारीकी से नहीं समझ पाए। ये आधुनिक विज्ञान की शुरुआत के बाद मुमकिन हुआ, करीब 200-300 साल पहले। इस दौरान हमें बुनियादी एलिमेंट्स के बारे में पता चला, वो रासायनिक तत्व जिनसे हमारे आसपास के सभी केमिकल्स बने हैं। फिर एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह की हमारी समझ बेहतर हुई। ऐसे बुनियादी भौतिक इकाइयां हैं ये जिनसे पूरा यूनिवर्स का मैटर बना है। 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने परमाणुओं के भीतर झांकने की कोशिश की, उन्होंने समझना चाहा कि आखिर एटम किन चीजों से बना है। फिजिक्स में इतने छोटे स्तर को क्वांटम लेवल कहते हैं, और जब दुनिया को क्वांटम लेवल पर समझने की कोशिश हुई तो कुछ अजीब बातें पता चली, ऐसी बातें जो साधारण वैज्ञानिक समझ या कॉमन सेंस से परे थी। लेकिन इस क्वांटम लेवल पर चीजें ऐसे ही काम करती हैं, और इसकी पढ़ाई के लिए फिजिक्स की एक अलग ब्रांच खड़ी हुई जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। केमिस्ट्री की पढ़ाई में फिजिकल केमिस्ट्री नाम का एक अलग दर्जा है, इसमें केमिकल्स की फिजिक्स समझी जाती है, क्योंकि बुनियादी स्तर पर सभी केमिकल्स फिजिक्स के सिद्धांत से ही चलते हैं। एक केमिकल में कई मॉलिक्यूल्स के अंदर अलग अलग एटम्स, और इन एटम्स के भीतर मौजूद न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल्स और एनर्जी स्टेट्स जैसे बुनियादी कॉन्सेप्ट समझे बिना केमिस्ट्री को पढ़ना मुश्किल है। इसलिए जब क्वांटम फिजिक्स का उदय हुआ तो इसका असर केमिस्ट्री के विकास में भी देखने को मिला। फिजिकल केमिस्ट्री से एक आम समझ ये बनती है कि केमिकल्स का रवैया इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और वो अलग अलग एनर्जी शेल्स में कैसे जमे हुए हैं। आप पीरियोडिक टेबल देखिए, ये अब तक खोजे गए सभी केमिकल एलिमेंट्स की एक सुव्यवस्थित तालिका है। इसमें लेफ्ट से राइट तक और ऊपर से नीचे आने पर आपको कई खूबसूरत पैटर्न दिखाई देंगे, और ये पैटर्न इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के कारण पैदा होते हैं। पीरियोडिक टेबल की सबसे लेफ्ट साइड एल्कली मेटल्स होते हैं, ऐसी धातुएं जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये एलिमेंट्स भयानक रिएक्टिव होते हैं। जबकि दूसरी तरफ राइट साइड ये नोबल गैसेस हैं, इनका आउटर मोस्ट शेल पूरा भरा होता है, इसलिए ये सभी अपने आप में बहुत संतुष्ट रहते हैं, ये किसी से रिएक्ट विएक्ट नहीं करते हैं, संत लोग। पीरियोडिक टेबल में एक जगह आपको मेटल्स का ग्रुप नजर आएगा और दूसरी तरफ नॉन मेटल्स, इनकी सबकी मिलती जुलती केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए ऐसे क्लासिफाइड है। और इस तरह के तमाम पैटर्न्स आपको पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, और ये एटॉमिक लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स के रवैये से शेप होते हैं। केमिस्ट्री में ये बल्क मटेरियल्स की आम समझ है, मतलब मोटे तौर पर कोई मटेरियल कैसे बिहेव करेगा वो उसमें मौजूद एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और उनके इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट से समझाया जा सकता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने नैनो स्केल पर चीजों को समझना चाहा तो ये मॉडल्स कमतर साबित हुए। छोटे स्तर पर जो हो रहा है उसे तब की मौजूदा फिजिकल केमिस्ट्री से नहीं समझाया जा सकता था, यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स पिक्चर में आती है। देखो, हमारे स्तर पर मटेरियल का बिहेवियर एटम्स, मॉलिक्यूल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन से तय होता है, लेकिन नैनो स्केल पर ये इलेक्ट्रॉन्स कैसा बर्ताव करेंगे ये क्वांटम मैकेनिक्स से तय होता है। छोटे स्तर पर क्वांटम इफेक्ट्स इलेक्ट्रॉन के व्यवहार में एक अलग डायनेमिक पैदा कर देते हैं। इसे समझने के लिए पहले हमें क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन के नेचर को समझना होगा, फिर इसी के जरिए हम क्वांटम डॉट्स को पिक्चर में लेके आएंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। इस वीडियो में जहां भी हम बल्क मटेरियल की बात करेंगे उसका मतलब है कि किसी मटेरियल का बड़ा पीस लिया जाए थोड़ा सा, तो वो कैसा बर्ताव करेगा उससे रिलेटेड है,
और दूसरी तरफ जब हम मटेरियल के नैनो पार्टिकल्स या क्वांटम डॉट्स की बात करेंगे तो वो उसी मटेरियल को बहुत फाइन पार्टिकल्स में अगर ब्रेक कर दिया जाए फिर वो बल्क मटेरियल नहीं रह जाएगा, वो नैनो पार्टिकल्स कहलाएंगे। इनका स्केल वीडियो में आगे और अच्छे से समझेंगे, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम क्वांटम मैकेनिक्स के जिस कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं उसे कहते हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स। और मैं आपको पहले से चेताए दे रहा हूँ कि अगर आपका क्वांटम मैकेनिक्स से परिचय नहीं हुआ है तो ये आपको बहुत अजीब लगेगा, शायद आप इसे अप्रिशिएट ना कर पाएं। लेकिन ध्यान रखिए, ये कितनी भी अजीब क्यों ना लगे, ये थ्योरी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझने में मदद करती है जो छोटे स्तर पर असलियत में घट रही हैं। अब अपन पार्टिकल इन अ बॉक्स को समझते हैं। तो ये पार्टिकल इन अ बॉक्स का एक एग्जांपल सॉर्ट ऑफ है। इसमें हमने पार्टिकल के तौर पे इलेक्ट्रॉन को लिया है ना, कोई भी पार्टिकल हो सकता था, लेकिन अभी हम इलेक्ट्रॉन की बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जब हम एक बॉक्स में बंद करेंगे तो क्या होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसको हमें समझना है। आमतौर पर हम लोग इस बक्से में जैसे बंद करें इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे समझते हैं कि स्पेस में कोई पॉइंटेड टाइप की चीज़ होगी, कोई बिंदु होगा, कोई पार्टिकल होगा। लेकिन ये क्लासिकल नज़रिया है, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन को देखती है। क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन को मैथमेटिकली एक वेव फंक्शन की तरह दर्ज किया जाता है, और ये किसी एक पॉइंट पर मौजूद ना होकर इसके अलग अलग पॉइंट पर होने की संभावना उस वेव फंक्शन में दर्ज की जाती है। तो हम विजुअलाइज करने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक तरीके की वेव होती है। तो वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ऐसे डब्बे के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए, यहाँ पे जब हम इसको वेव नेचर को कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन के, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें होती हैं। वैसे मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही चाहिए इमेजिन करने में, जैसे पानी की तरंगें होती हैं तालाब में, वैसे आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन भी स्पेस में पैदा होने वाली एक किस्म की वेव है, एक एनर्जी वेव है ना। और ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये जो बॉक्स है इसमें इलेक्ट्रॉन कैद है। ये बॉक्स लगभग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के आकार का है, मतलब उसी कंपैरिजन में साइज का जितना लगभग इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो उसी स्केल पे ये बॉक्स है, बहुत छोटा, और इसमें इलेक्ट्रॉन कैद है, इससे बाहर नहीं आ सकता किसी भी तरीके से, ये वेव बाहर नहीं आ सकती। तो होता क्या है कि अब ये डब्बे का साइज इस इलेक्ट्रॉन वेव को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। अगर मान लीजिए हम इस डब्बे को बड़ा लेते हैं, अगर ये हमारा बॉक्स बड़ा होता तो इलेक्ट्रॉन वेव के साथ क्या होता। ऐसा सोचिए कि इलेक्ट्रॉन वेव जो है वो बड़ी इलास्टिक किस्म की है, मतलब अगर डब्बा बड़ा होता है तो ये वेव एक्सपेंड हो जाती है, और अगर डब्बा छोटा होता है तो ये अपन छोटा डब्बा भी एक बना लेते हैं इससे, उस छोटे डब्बे में अगर इलेक्ट्रॉन को रखें तो क्या होगा देखते हैं। अगर डब्बा छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो श्रिंक हो जाती है, आपको ऐसे इमेजिन करना होगा इस इलेक्ट्रॉन वेव को। तो ये डब्बे का साइज ना इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पे असर डाल रहा है। वेवलेंथ क्या होती है, ये दो चढ़ावों या दो उतारों के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं हम लोग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी वेव की, और ये उसकी एनर्जी वगैरह डिफाइन करती है वेव मैकेनिक्स में। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हमने डब्बा बड़ा लिया है, बॉक्स बड़ा लिया है, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है ये इससे बड़ी हो गई ना, इससे बड़ी हो गई। और अगर हमने डब्बा छोटा लिया है तो ये छोटी हो गई वेवलेंथ। अब ये जो चीज़ है ना, ये एनर्जी दर्शाती है। कोई भी वेव मैकेनिक्स में ये सिंपल सा फंडा है कि जिस भी चीज़ की वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी कम है, और जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो पार्टिकल का बॉक्स जो है उसका साइज चेंज करने से उसकी एनर्जी चेंज हो रही है, यहाँ से हमें यह समझ में आता है। देखो, वेव मैकेनिक्स का एक सिंपल सा फंडा है कि जिन वेव्स की वेवलेंथ कम होती है उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ये बात मैकेनिकल वेव्स जैसे कि साउंड के लिए भी एप्लीकेबल है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि रोशनी के लिए भी एप्लीकेबल है। स्मॉल वेवलेंथ इज इक्वल टू मोर एनर्जी, एंड मोर वेवलेंथ इम्प्लाइज लेस एनर्जी इन वेव्स, ठीक है। अब हमारी आँखें और दिमाग इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी को अलग अलग कलर्स के फॉर्म में इंटरप्रेट करते हैं। विवग्योर के सात रंग बढ़ती से घटती एनर्जी के क्रम में होते हैं। दोपहर के वक्त व्हाइट लाइट में ज्यादा एनर्जी होती है क्योंकि उसमें कम वेवलेंथ वाली ब्लूइश वेव्स ज्यादा होती हैं, और सुबह और शाम के लालिमा में रिलेटिवली कम एनर्जी होती है क्योंकि इनमें ब्लू लाइट की जगह अधिक वेवलेंथ वाली रेड लाइट बहुतायत में होती है। तो अभी के लिए ये थंब रूल याद रखिए, स्मॉल वेवलेंथ इंप्लाइज मोर एनर्जी। यही बात क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन वेव पर भी लागू होती है। ये तो एक अकेले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात हो गई, लेकिन किसी भी मटेरियल में कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे में एक एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं जांची जाती बल्कि उस पूरे मटेरियल की एक एनर्जी स्टेट डिफाइन कर दी जाती है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल के एनर्जी स्टेट्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि क्वांटम डॉट्स से जुड़े जो अधिकतर एक्सपेरिमेंट्स और डेमोंस्ट्रेशंस हैं वो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स में ही किए गए हैं। सेमीकंडक्टर्स यानी मध्यम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाले मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत यूज होते हैं, आपने देखा होगा, और क्वांटम डॉट्स बनाने में भी होते हैं, ये आपको बता देता हूँ।
इसलिए हमें क्वांटम डॉट्स को समझने के लिए सेमीकंडक्टर्स के एनर्जी बैंड्स और एनर्जी गैप जैसे कॉन्सेप्ट्स भी समझने होंगे। देखिए, फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स के लाइट के इंटरेक्शन को पढ़ाने के लिए दो तरह के एनर्जी बैंड्स पढ़ाए जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर लाइट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है वो इससे समझ में आता है। ये एनर्जी बैंड्स हैं, मतलब एनर्जी लेवल्स हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स किस लेवल पे होंगे। ये कम एनर्जी है और ये ज्यादा एनर्जी है। ये कम एनर्जी वाला जो बैंड होता है वो वैलेंस बैंड कहलाता है, और ज्यादा एनर्जी वाला जो बैंड होता है वो कंडक्शन बैंड कहलाता है। तो अधिकतर मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कुछ ये अलग अलग देखिए एनर्जी लेवल्स हैं। ये एक एनर्जी लेवल, ये एक एनर्जी लेवल, ये एक एनर्जी लेवल, ऐसे ऊपर की तरफ ये 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 इसका सबसे ऊपरी एनर्जी लेवल है और ये सबसे नीचे। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि ये वैलेंस बैंड एक गुच्छा है एनर्जी लेवल्स का, और कंडक्शन बैंड भी एक एनर्जी लेवल्स का गुच्छा है। इनके बीच में कुछ एनर्जी लेवल नहीं होते जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकें, वो किसी एनर्जी लेवल पर रह सकें उस मटेरियल के। तो बल्क में एक बल्क हमने बड़ा सा पीस लिया सेमीकंडक्टर मटेरियल का, हमारे आपके आंखों से देखने लायक, उसकी एनर्जी प्रॉपर्टी हम एक एक एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल देख के नहीं बल्कि बल्क में ऐसे उसको डिफाइन कर देते हैं कि ये उनके इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंस बैंड में कुछ एनर्जी होगी या तो फिर कंडक्शन बैंड में होगी। अब यहाँ पे होता क्या है, इसको ध्यान से देखिए। ये जो एनर्जी गैप है ना वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको बोलते हैं, इसको एनर्जी गैप ही बोलते हैं, है ना, या बैंड गैप भी बोल देते हैं। तो इसको अपन EG ऐसे करके लिखते हैं। तो ये डिफरेंस इन एनर्जी है बिटवीन दिस बैंड और दिस बैंड। ये किसी मटेरियल की, सेमीकंडक्टर मटेरियल की काफी सारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज तय करता है, मतलब कि वो दिखेगा कैसा, रंग वगैरह क्या होंगे, ये सारी चीजें इस एनर्जी गैप से तय होती हैं। और हर सेमीकंडक्टर मटेरियल का अपना एनर्जी गैप फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए आपने सिलिकॉन लिया या कैडमियम लिया, कुछ लिया, तो इनके अपने अपने, इनके जो मटेरियल्स होंगे उनके एक फिक्स एनर्जी गैप्स होंगे। वो आप कहीं भी ले लें, है ना, वो प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये एनर्जी गैप कलर्स कैसे डिसाइड करता है या लाइट के साथ इंटरेक्शन कैसे तय करता है। मान लीजिए इस ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इस पर लाइट फेंकी जाती है, लाइट एक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इसकी तरफ आती है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे अधिकतर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, वैलेंस बैंड में कम एनर्जी पे। मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रही है और इसमें कई तरह की वेवलेंथ्स होती हैं एक लाइट में, सतरंगी विजिबल जो हमें दिखाई देती हैं, लाल, नीली, पीली, हरी, ये सारी चीज़ें सब तरह की वेवलेंथ्स होती हैं और इनकी अलग अलग एनर्जी होती है, ठीक है। ब्लू वाली की ज़्यादा होती है, रेड की कम होती है, इस तरह से होता है। तो ये इसके साथ कैसे इंटरेक्ट करेगी, यहाँ पे क्या होगा, ये इधर के इलेक्ट्रॉन्स में ये एनर्जी जाएगी सारी की सारी लाइट एनर्जी, और ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड पार करके कुछ यहाँ चले जाएंगे अपने से ऊपर। इसको एक्साइटेशन बोलते हैं, किसी निचले एनर्जी लेवल से ऊपर की तरफ जाने को एक्साइटेशन बोलते हैं। अब हर तरह का एक्साइटेशन स्टेबल नहीं होता। जिस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन ये वैलेंस बैंड से पार करके, ये एनर्जी गैप पार करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, ये तो स्टेबल होता है, लेकिन ये अनस्टेबल होता है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है जिनको थोड़ी सी एनर्जी मिली थी इस एनर्जी गैप से कम, वो वापस आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के वापस आने को रिलैक्सेशन कहते हैं, वो रिलैक्सेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा कि ये ब्लू वाली जो ज़्यादा एनर्जी है, ये वाली किसी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को मिली होगी और ये पार कर गए होंगे। लेकिन जिन लोगों ने ये रेड वाली वेव सोखी, कम एनर्जी वाली, वो लोग यहाँ अधर में अटक गए और अंततः उनको वापस पेज्जत होकर नीचे आना पड़ा। अब जब ये रिलैक्सेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स वापस आते हैं, तो ये जो लाइट पूरी एब्जॉर्ब की थी इसमें से, ये इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है उसको एमिट कर दिया जाता है मटेरियल से बाहर। ये लाइट इतनी सारी आई थी पूरी और ये वाली एक पर्टिकुलर वेवलेंथ बाहर निकल गई, इससे रिफ्लेक्ट कर दी गई। अब देखिए ये हमें दिखाई देती है जो हम बाहर से देखते हैं, जब किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल को कोई ऑब्जर्वर देख रहा होता है, तो ये पूरी सनलाइट आई उस पर गिरी, ये एब्जॉर्ब हो गई, ये पार कर गई नदियाँ और ये वाली नहीं कर पाई, तो ये वाली के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव जनरेट हुई और उसको हमने देखा। तो ऐसे करके एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का कलर तय होता है, और इस कलर तय करने में बहुत बड़ी भूमिका इस एनर्जी गैप की है। आप देखिए ये एनर्जी गैप को पार करवाने वाली एनर्जी जिन वेव्स की है, जो इतनी क्षमता रखती हैं, सिर्फ वही एब्जॉर्ब होंगी और बाकी की रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो कौन से कलर्स एब्जॉर्ब होंगे, कौन से रिफ्लेक्ट होंगे, ये सब कुछ इस एनर्जी गैप से तय हो रहा है, क्योंकि लाइट्स की तो फिक्स है वेवलेंथ, जो अलग अलग मटेरियल्स में वेरी करता है वो ये एनर्जी गैप ही है। तो ये जिसका कम होगा उसमें अलग रिफ्लेक्शन होगा, जिसमें ज़्यादा होगा एनर्जी गैप उसका अलग रिफ्लेक्शन होगा। थोड़ा सा अच्छे से इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए इसको अभी ख़त्म करते हैं। मान लीजिए एनर्जी गैप ज़्यादा है किसी मटेरियल का, है ना, और दो तरह के मटेरियल लेते हैं, एक जिसका ज़्यादा है, एक जिसका कम है एनर्जी गैप। ये वाला ज़्यादा है और ये नीचे वाला कम है, ठीक है।
तो इसमें लाइट आती है तो कैसे होगा रियल लाइफ में, आपको कैसे दिखेगा? सारे कलर्स आएंगे, रेड और ब्लू से सारे कलर्स को बना देते हैं। ये बड़ी वेवलेंथ रेड की, कम एनर्जी वाली, छोटी वेवलेंथ ब्लू की। अरे बन जाए, ये आएंगे, यहाँ पे भी यही होगा, सेम लाइट मारी जाएगी दोनों पे, और यहाँ भी है ना। ये इसका कलर अभी ख़त्म होना था। देखिए ये दो केस है ना, ये केस वन है, ये केस टू है। अगर एनर्जी गैप ज़्यादा है तो सिर्फ ब्लू वाली लाइट ही एब्जॉर्ब हो पाएगी, ज़्यादा एनर्जी वाली, जो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ पार करवा सकती है, और जो उससे नीचे वाली वेवलेंथ हैं वो सारी एमिट हो जाएंगी बाहर। तो ब्लू और वॉयलेट टाइप की लाइट एब्जॉर्ब हो गई ज़्यादा एनर्जी वाली, उसके बाद बची क्या अपनी नीचे वाली सब, तो जो ग्रीन रेड इन सब के मिक्सचर से है ना, येल्लो कलर बाहर निकलेगा इससे, ऐसे करके येल्लो कलर डिसाइड होगा, क्योंकि सिर्फ ब्लू वाली एब्जॉर्ब हो गई, बहुत हाई बैंडविड्थ था, सिर्फ ब्लू ही पार कर पाया, उसके नीचे के विवग्योर में ब्लू और वायलेट पार कर पाए, बाकी विवग्योर में नीचे वाले रंग जो हैं वो सारे बाहर निकले, तो येल्लो कलर उनका मिक्सचर दिखेगा। मान लीजिए एनर्जी गैप बहुत कम है तो क्या होगा, सब लोग पार कर जाएंगे नदियाँ, वायलेट भी पार कर जाएगा, ब्लू भी पार कर जाएगा, ग्रीन भी पार कर जाएगा, येल्लो भी पार कर जाएगा, ऑरेंज भी पार कर जाएगा, लेकिन ज़रा सा रेड से बस ज़रा सा ज़्यादा हुआ तो सब लोग पार कर जाएंगे फिर से, और रेड अकेला बेचारा रह जाएगा, रेड यहाँ पे कहीं पे आके ऐसे आके नीचे आ जाएगा, तो रेड कलर की हमें सिर्फ लाइट दिखाई देगी। ऐसे ऐसे करके ये एनर्जी गैप हम वेरी करेंगे ना, तो अलग अलग शेड्स ऑफ कलर हमें उस सेमीकंडक्टर मटेरियल से देखने को मिलेंगे। अगर मान लो ये एनर्जी गैप और बड़ा होता, ये वाला और बड़ा होता, तो हमें फिर उस जो ओवरऑल आउटपुट लाइट है उसमें ब्लू वेवलेंथ, ब्लू वॉयलेट वगैरह भी दिखती, वो भी एब्जॉर्ब नहीं होती। तो यहाँ से एक जनरल थंब रूल आप याद रख सकते हैं कि एनर्जी गैप जितना बड़ा होगा उतनी लाइट की वेवलेंथ या एनर्जी ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट होगी, और जितना एनर्जी गैप छोटा होता जाएगा उतनी रेड कलर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी सेमीकंडक्टर की जो आउटपुट कलर की वेवलेंथ है। ठीक है, ये याद रहेगा कि बड़ी एनर्जी गैप वाले सेमीकंडक्टर से ब्लूइश लाइट बाहर निकलती है, और छोटे रिलेटिवली छोटे बैंड गैप वाले सेमीकंडक्टर से रेडिश लाइट बाहर निकलती है, ये याद रखना। अभी ये हम बल्क सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे थे, और आमतौर पर हर बल्क सेमीकंडक्टर मटेरियल का एक एनर्जी गैप फिक्स होता है, लेकिन जैसे ही हम इन्हीं मटेरियल्स के नैनो पार्टिकल्स या क्वांटम डॉट्स को पिक्चर में लेके आते हैं, ये एनर्जी गैप फिक्स नहीं रह जाता, वो पार्टिकल के साइज के साथ चेंज होता है, और एक ही मटेरियल में पार्टिकल के साइज के मुताबिक अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलता है। पार्टिकल इन अ बॉक्स थ्योरी में बक्से का साइज चेंज होने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होती है, और इस थ्योरी में अगर वो बॉक्स एक सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल है तो बॉक्स का साइज चेंज करने पर उस सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप भी अफेक्ट होता है। ये एनर्जी गैप इस फॉर्मूले से तय होता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जहां ये L बॉक्स की लेंथ है, L ज्यादा होगी तो एनर्जी गैप कम होगा, और L कम होगी तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा। फॉर्मूला भूल जाइए, आप बस इतना ध्यान रखिए कि छोटा बक्सा मतलब ज्यादा एनर्जी गैप और बड़ा बक्सा मतलब कम एनर्जी गैप। अब पुरानी चीजों को वापस पिक्चर में लाते हैं, हम समझ चुके हैं कि किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ये मेनली उसके इलेक्ट्रॉन्स से तय होता है, और बल्क मटेरियल का कलर फिक्स होता है क्योंकि हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट और उनका रिस्पेक्टिव एनर्जी गैप जो होता है वो फिक्स होता है। लेकिन नैनो स्केल पर मटेरियल्स का बिहेवियर ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट से तय होगा बल्कि उस नैनो पार्टिकल के साइज पर भी डिपेंड करेगा। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से इस नैनो पार्टिकल का साइज उस बॉक्स के साइज जैसा हो जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कैद हैं, और हमने देखा कि बॉक्स का साइज चेंज करने पर इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी गैप भी चेंज हो जाते हैं। जब कुछ वैज्ञानिकों ने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करके देखा तो यहाँ से क्वांटम डॉट्स की थ्योरी निकली। अब हम भी इन्हीं वैज्ञानिकों की तरह इलेक्ट्रॉन इन अ बॉक्स पर बिल्ड करते हुए क्वांटम डॉट्स को थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि अपन किस चीज की बात कर रहे हैं और कितने छोटे स्केल की बात कर रहे हैं। एक क्वांटम डॉट जो होता है वो कुछ ही एटम्स या मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनती है। ये एटम्स मॉलिक्यूल्स का गुच्छा अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल होता है, जैसे शुगर क्रिस्टल्स हैं, है ना, ये सब दिखते एक जैसे हैं लेकिन ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। दूसरी चीज ये है कि भले ही क्वांटम डॉट कई एटम्स और मॉलिक्यूल्स का एक क्रिस्टल है लेकिन वो अपने आप में बहुत छोटी होती है। साधारणतः एक क्वांटम डॉट महज कुछ हजार एटम्स या मॉलिक्यूल्स से ही बनती है। ये कितना छोटा होता है इसे एक कंपैरिजन से अपन समझने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचा है कि एक फुटबॉल पृथ्वी की तुलना में कितनी छोटी है? बहुत छोटी, पृथ्वी बहुत बड़ी है। अब जितनी छोटी फुटबॉल पृथ्वी की तुलना में उतना ही छोटा क्वांटम डॉट फुटबॉल की कंपैरिजन में। अ क्वांटम डॉट इज टू अ फुटबॉल व्हाट अ फुटबॉल इज टू अर्थ। सुई की नोक से करोड़ों गुना छोटा पार्टिकल, सोचिए ये कितना छोटा लेवल है, इसे नैनो लेवल कहते हैं। जब किसी मटेरियल को इतने बारीक स्तर पर पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्वांटम मैकेनिक्स से इन्फ्लुएंस होने लगती हैं।
विज्ञान के इतिहास में 1920 का दशक क्वांटम मैकेनिक्स के लिए सबसे जबर साबित हुआ। इस दौरान इसे लेकर जोर शोर से चर्चा हुई। साल 1935 तक कई वैज्ञानिकों को क्वांटम थ्योरी के बारे में मालूम हो चुका था। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में वेव नेचर को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए श्रोडिंगर वेव फंक्शन का यूज होता है। तब तक कई फिजिसिस्ट श्रोडिंगर वेव फंक्शन के साथ सहज हो गए थे और वो इसके जरिए अलग अलग लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स के व्यवहार के बारे में अनुमान लगा रहे थे। साल 1937 में एक फिजिसिस्ट हर्बर्ट ने श्रोडिंगर इक्वेशंस के आधार पर यह दावा किया कि एक नैनो पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन्स का अजीब बिहेवियर होगा। जैसे हम बल्क मटेरियल में देखते हैं, ये उससे भी कुछ अलग तरीके से नैनो पार्टिकल्स में दिखाई देंगे। इससे जुड़े मैथमेटिकल वर्क को आगे बढ़ाते हुए पहली बार नैनो पार्टिकल्स की साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज का अंदाजा लगाया गया। यानी ये बात सामने आई कि नैनो पार्टिकल्स का साइज भी उसकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेगा। यहां से क्वांटम डॉट्स का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क खड़ा होने लगा। लेकिन इस थ्योरी को रियल लाइफ में टेस्ट करना आसान नहीं था, क्योंकि ये इतने बारीक स्तर की फिजिक्स है कि उस समय की टेक्नोलॉजी से यहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। फिर 1970 के दशक में कुछ वैज्ञानिक ऐसा एक नैनो स्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हुए। उन्होंने बल्क मटेरियल के ऊपर एक नैनो थिन लेयर की कोटिंग तैयार की। साइंटिस्ट ये दिखाने में सक्सेसफुल रहे कि इस नैनो कोटिंग की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज उस लेयर की थिकनेस के साथ चेंज होती हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो दिखने में कैसी ऑप्टिकल है ना, कलर वगैरह। ये लेयर उसकी अलग अलग मोटाई के केस में अलग अलग दिखाई दे रही थी। इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के वो प्रिडिक्शन वाकई सही ठहरे। नैनो लेवल पर साइज चेंज करने से मटेरियल्स की प्रॉपर्टी बदल रही थी। ये बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप बहुत जटिल था। इसमें अल्ट्रा हाई वैक्यूम और लगभग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की जरूरत होती थी। इसलिए कई साइंटिस्ट को लगा कि इसका कोई खास प्रैक्टिकल यूज नहीं है। लेकिन अगले ही दशक यहाँ पहले नोबेल लॉरिएट एलेक्सी येकिमोव की एंट्री होती है। येकिमोव सोवियत रूस में अपनी लैब में सदियों पुराने एक आविष्कार पर काम कर रहे थे और इससे उन्हें अनोखे इंसाइट्स मिली। इस प्राचीन आविष्कार का नाम है कलर्ड ग्लासेस। आर्कियोलॉजिस्ट को आज से कई हजार साल पुराने कलर्ड ग्लासेस के अवशेष मिलते हैं। एंशियंट ग्लासमेकर्स इस कला में माहिर थे कि इंद्रधनुष के अलग अलग रंगों के शेड्स वाले ग्लास कैसे बनाए जाएं। वो ग्लास में सोना, चांदी और कैडमियम जैसी कई चीजें डालकर उसके तापमान में बदलाव करते थे और इस टेक्निक से अलग अलग शेड्स वाले खूबसूरत ग्लास तैयार होते थे। ये सदियों पुरानी कला है। 19वीं और 20वीं सदी में कुछ फिजिसिस्ट की लाइट यानी प्रकाश में नए सिरे से दिलचस्पी जागती है और ये वैज्ञानिक सदियों पुराने इन ग्लास मेकर्स का काम उठाते हैं। साइंटिस्ट्स इन कलर्ड ग्लास का इस्तेमाल अलग अलग रंगों की लाइट को फिल्टर करने में करते हैं, लेकिन वो इन पारंपरिक ग्लासेस से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए अपने एक्सपेरिमेंट्स को फाइन ट्यून करने के लिए फिजिसिस्ट खुद से ऐसे ग्लास बनाना शुरू कर देते हैं। इस दौरान वैज्ञानिकों को पता चलता है कि एक ही सब्सटेंस से अलग अलग रंग के ग्लास बनाए जा सकते हैं। एक ही मटेरियल से बना ग्लास पीला भी हो सकता है और लाल भी, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि पिघले हुए ग्लास को किस हद तक तपाया जाता और फिर उसे ठंडा कैसे किया जाता। धीरे धीरे साइंटिस्ट को समझ आया कि ये अलग अलग रंग असल में ग्लास के भीतर मौजूद पार्टिकल्स के साइज से पैदा हो रहे हैं। 70 के दशक के अंत तक ये कलर्ड ग्लासेस वाली बात साइंस के सर्कल में फैल चुकी थी। उसी दौरान एक डॉक्टोरल ग्रेजुएट लड़का सोवियत रूस के एसआई वाविलोव स्टेट ऑप्टिकल इंस्टीट्यूट में काम शुरू करता है। इस लड़के का नाम है एलेक्सी येकिमोव। ये कलर्ड ग्लासेस वाली बात येकिमोव को बड़ी इलॉजिकल सी लगी। उन्होंने सोचा कि एक ही सब्सटेंस अलग अलग रंग कैसे दे सकता है, क्योंकि तब हर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी फिक्स मानी जाती थी। ये समझ आम थी, सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और अरेंजमेंट उसकी पर्सनैलिटी तय करते हैं, तो उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी फिक्स होनी चाहिए ना। फिर एक ही सब्सटेंस ऐसे क्रिकेट के जैसे रंग कैसे बदल सकता है। भले ही ये कितनी अजीब बात लगे, लेकिन ऐसा हो तो रहा था। इसलिए इस काम में येकिमोव की दिलचस्पी ज्यादा पैदा होती। अपनी डॉक्टरल डिग्री के दौरान येकिमोव ने सेमीकंडक्टर्स पर काम किया था। सेमीकंडक्टर्स जिनसे हमारी ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स वगैरह बनते हैं, इन चिप्स में बहुत बारीक स्तर का काम होता है, इसलिए नंगी आंखों से इन्हें स्टडी नहीं किया जा सकता। यहाँ स्पेशलाइज्ड ऑप्टिकल मेथड्स काम आती हैं। किसी मटेरियल पर खास किस्म की रोशनी मारकर ये पता करते हैं कि उसमें कैसे लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। उस लाइट को स्टडी करके फिर ये पता लगाया जाता है कि उस चिप में किस तरह का माल लगा है, बेहतरीन क्वालिटी का है कि नहीं है, और बारीक क्रिस्टल स्ट्रक्चर वगैरह सब ठीक ठाक है कि नहीं, ये लाइट एनालिसिस से पता चलता है। जब येकिमोव ने कलर्ड ग्लासेस को स्टडी करना शुरू किया, तब वो सेमीकंडक्टर्स में इस्तेमाल होने वाली इन मेथड से वाकिफ थे। येकिमोव ने इन सोफिस्टिकेटेड तरीकों से कलर्ड ग्लासेस को परखना शुरू किया। थोड़ी बहुत पड़ताल के बाद उन्होंने खुद अपने ग्लास बनाने का फैसला किया। येकिमोव ग्लास में कॉपर क्लोराइड छिड़ककर उसे तपाते थे, फिर पिघले हुए ग्लास को 500 से 700 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता। इनका हीटिंग पीरियड 1 घंटे से लेकर 96 घंटे तक वेरी करता था। जब ग्लास ठंडा और कड़क हो जाता, तब उसका एक्सरे किया जाता। इन एक्सरे के अध्ययन से येकिमोव को मालूम हुआ कि ग्लास के अंदर
कॉपर क्लोराइड के छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के वेरिएशन से इन क्रिस्टल्स के साइज पर असर पड़ रहा है। कुछ ग्लास सैंपल्स में इन क्रिस्टल्स का साइज महज 2 नैनोमीटर था, जबकि कुछ में ये 30 नैनोमीटर तक के थे। रोचक बात ये थी कि इन पार्टिकल्स के साइज से लाइट का एब्जॉर्प्शन प्रभावित हो रहा था। जिन ग्लासेस में कॉपर क्लोराइड के बड़े नैनो पार्टिकल्स थे वो वैसा ही व्यवहार कर रहे थे, वैसे ही लाइट एब्जॉर्ब कर रहे थे जैसे साधारण तौर पर बल्क में कॉपर क्लोराइड करता है। लेकिन जिन ग्लास में कॉपर क्लोराइड के छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स बने वो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करते दिखे ज्यादा। येकिमोव मूल रूप से एक फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रखी थी, तो उन्हें ये इल्हाम होने में ज्यादा देर नहीं लगी कि वो जो देख रहे हैं असल में वह साइज डिपेंडेंट क्वांटम इफेक्ट है। थ्योरेटिकली जिसका अनुमान फिजिसिस्ट कई दशक पहले लगा चुके हैं और अब येकिमोव ने पहली बार उसे हकीकत में होते हुए पकड़ लिया है। यहाँ एक बार फिजिक्स में कलर्स की उत्पत्ति रिवाइज करनी होगी और दोबारा पार्टिकल इन अ बॉक्स को हमें पिक्चर में लाना होगा ताकि हमें भी वो समझ में आए जो येकिमोव को समझ में आया। देखो, रंगों का पूरा खेल एनर्जी का है। लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और सूर्य से पृथ्वी पर आ रही रोशनी कई वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ले आती है और अलग अलग वेवलेंथ का मतलब है अलग अलग एनर्जी वाली वेव्स। इन अलग अलग एनर्जी की वेव्स को हमारी आंखें और ब्रेन अलग अलग रंगों की तरह महसूस करते हैं। ये रोशनी में रंगों की बात हुई, लेकिन चीजों में अलग अलग रंग कैसे आते हैं? मटेरियल्स में ये रंग एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के कारण होते हैं। हर एटम के अंदर कई इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी लेवल पर होते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी रैंडम एनर्जी लेवल पर रह सकता है। एटम में ये एनर्जी लेवल्स फिक्स होते हैं, जैसे सीढ़ियों के पायदान फिक्स होते हैं वैसे ही। जब कोई इलेक्ट्रॉन सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एनर्जी मिलती है और वो इस एनर्जी को लेकर अपनी ग्राउंड एनर्जी स्टेट से ऊपर वाली एनर्जी स्टेट पर चला जाता है इलेक्ट्रॉन। इसे एक्साइटेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देना। लेकिन हर एक्साइटेशन स्टेबल नहीं रहता, इसलिए कई बार इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पर लौट कर आता है। और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे वाले एनर्जी लेवल पर आता है तो एनर्जी रिलीज होती है उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, प्रकाश की तरंग में। और इस तरह किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स के कारण रंग पैदा होते हैं। ये एटॉमिक लेवल की डिटेल हो गई, बहुत ज्यादा है ना। यही थ्योरी बड़े स्केल पर एनर्जी बैंड्स में तब्दील हो जाती है। सेम थ्योरी हम बल्क सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड्स और उस बैंड्स का एनर्जी गैप के बारे में समझ चुके हैं। ये भी समझ चुके हैं कि इन मटेरियल्स के दिखाई देने वाले रंग उस एनर्जी गैप के करस्पॉन्डिंग होते हैं जो ऊपर और नीचे वाले बैंड के बीच में होता है गैप। इस गैप के हिसाब से कुछ एनर्जी लेवल्स वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मटेरियल में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और बाकी बाहर फेंक दी जाती हैं और नतीजतन अलग अलग मटेरियल से अलग अलग रंग पैदा होते हैं क्योंकि उससे अलग अलग वेव्स बाहर फेंकी जाती हैं। मुझे पता है पहली बार सुनने में आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जिसने 11वीं 12वीं फिजिक्स और केमिस्ट्री ध्यान से पढ़ी है उसे सब थोड़ा याद आ रहा होगा कि हाँ ऐसा कुछ था। तो लेकिन अब हम इससे और एक और स्टेप आगे जाने वाले हैं। क्या है कि बल्क मटेरियल में तो ये इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल जिनके कारण रंग पैदा होते हैं ये एनर्जी गैप्स फिक्स होते हैं, लेकिन नैनो पार्टिकल्स के साथ मामला अलग है। दोबारा पार्टिकल इन अ बॉक्स को सीन में लाने का वक्त आ गया है। जो अलग अलग नैनो पार्टिकल्स का साइज बदलना है वो दरअसल इस क्वांटम बॉक्स को बड़ा या छोटा करना है। वो बॉक्स या क्वांटम डॉट जितना बड़ा होगा उसके अंदर का एनर्जी गैप उतना कम होता जाएगा और दूसरी तरफ बॉक्स या क्वांटम डॉट जितनी छोटी होगी एनर्जी गैप उतना बढ़ता चला जाएगा। सतरंगी रोशनी यानी विबग्योर स्पेक्ट्रम में जो कलर्स हम देखते हैं वो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो वेवलेंथ और एनर्जी के हिसाब से अरेंज हैं क्रम। ब्लू की तरफ आने पर वेवलेंथ कम होती है, एनर्जी बढ़ती है और रेड की तरफ जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है, एनर्जी कम होती है। अब इन दो बातों को कनेक्ट करो। अगर क्वांटम डॉट बड़ा होगा तो उसके अंदर एनर्जी गैप कम होगा, इससे लाइट कम एनर्जी यानी बड़ी वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में बाहर निकलेगी और नतीजतन हमें बड़े क्वांटम डॉट से रेडिश कलर्स, बड़ी वेवलेंथ वाले कलर्स देखने को मिलेंगे। और जब क्वांटम डॉट छोटा होगा तो अंदर का एनर्जी गैप ज्यादा होगा, इससे ज्यादा एनर्जी यानी छोटी वेवलेंथ वाली लाइट बाहर आएगी। एज अ रिजल्ट हमें छोटे साइज वाली क्वांटम डॉट से ब्लूइश कलर्स देखने को मिलेंगे और साइज को इस रेंज के बीच में वेरी करने से हमें विवग्योर की सभी शेड्स मिल सकती हैं, बल्कि इस विजिबल स्पेक्ट्रम के बाहर की भी वेवलेंथ मिल जाएंगी जो आंखों से हमें दिखाई नहीं देती। आई नो इट्स अ लॉट, बहुत, मतलब किसी लेमैन के लिए बहुत नया हो गया होगा, बहुत भसड़। इसलिए अपन इस पूरी कहानी को 3 पॉइंट्स में समराइज कर देते हैं। पहली महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्वांटम डॉट के साइज से या उस पार्टिकल बॉक्स के साइज से अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और अगर वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो उसका एनर्जी गैप अफेक्ट होता है। तो वो फॉर्मूला था जिसमें एनर्जी गैप का बॉक्स की लेंथ से 36 का आंकड़ा था, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन था, तो उससे हमें ये पता चलता है कि अगर जो छोटा डॉट है या छोटा बॉक्स है उसका एनर्जी गैप ज़्यादा होगा और जो बड़ा बॉक्स डॉट है या बॉक्स है उसका एनर्जी गैप कम होगा क्योंकि इनका 36 का आंकड़ा उस फॉर्मूले से हमें पता चलता है ना। पहली चीज़ तो ये हो गई कि बड़े
क्वांटम डॉट का एनर्जी गैप कम होता है, छोटे क्वांटम डॉट का एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। दूसरी ज़रूरी चीज़ यह है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के एनर्जी गैप से कुंडली मैच की जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, लाइट की। ये लाइट के जो अलग अलग कलर्स हैं वो अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग एनर्जी के प्रतीक हैं। उनका इसके साथ इंटरेक्शन इस बात से तय होता है कि एनर्जी गैप कितना है। जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है लाइट वेव्स की, वो पार कर जाती हैं, और जो कम एनर्जी वाली होती हैं वो धकेल दी जाती हैं। तो अगर एनर्जी गैप ज़्यादा है तो उससे हमें ब्लूइश लाइट निकलने की संभावना ज़्यादा रहती है। हमने समझा था कि भैया जिसका एनर्जी गैप कम होता है उससे रेडिश लाइट के रिफ्लेक्ट होने की चांस ज़्यादा रहती है। अगर सभी रंग उस पर डाले जा रहे हैं तो चांस है कि जो कम एनर्जी गैप वाला है उससे बाहर आएगी रेडिश लाइट, और जैसे जैसे हम एनर्जी गैप को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसमें ब्लूइश लाइट की मात्रा बढ़ती जाती है। इन दोनों को मिला के हम तीसरे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, वो ये कि क्वांटम डॉट का साइज बदलने से एनर्जी गैप प्रभावित होते हैं, एनर्जी गैप बदलने से लाइट के साथ उसका इंटरेक्शन प्रभावित होता है। इसका मतलब क्या हुआ? थंब रूल नंबर 1 और थंब रूल नंबर 2 से मिला के बनता है, जो छोटा क्वांटम डॉट है वो ब्लूइश लाइट को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता रखेगा, और जो बड़ा क्वांटम डॉट है वो रेडिश लाइट को बाहर फेंकने की क्षमता रखेगा। ये 1 और 2 से मिला के बनता है तीसरा। आपको बस ये आखिरी वाला रूल याद रखना है आगे की कहानी के लिए। अब इसके साथ आप एलेक्सी येकिमोव की खोज का महत्व समझिए। साइज बदलने से इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर बदलना, इससे सिर्फ उस पार्टिकल की लाइट के साथ इंटरेक्शन प्रभावित नहीं होते बल्कि वो बुनियादी तौर पर उस मटेरियल को बदल देता है। उसका रंग बदलना तो एक लक्षण मात्र है, क्योंकि उस मटेरियल की बेसिक पर्सनालिटी उसके इलेक्ट्रॉन्स तय करते हैं। उनका एनर्जी लेवल बदलने पर उस मटेरियल की सिर्फ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ही नहीं बल्कि कई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं। बिना पार्टिकल की बेसिक आइडेंटिटी बदले उसकी प्रॉपर्टीज बदल देना, ये क्वांटम दुनिया का वो जादुई बीज है जिसे क्वांटम डॉट कहते हैं। और थ्योरी के इतर पहली बार इस जादू से रूबरू होकर उसे समझने और दुनिया के सामने लाने वाले शख्स का नाम है एलेक्सी येकिमोव। येकिमोव का एक्सपेरिमेंट फर्स्ट डेलिब्रेट प्रोडक्शन ऑफ क्वांटम डॉट था। ऐसे बेहतरीन नैनो पार्टिकल्स जिनमें साइज डिपेंडेंट क्वांटम इफेक्ट्स देखे जाते हैं, ये पहली बार हुआ सोवियत रूस। जब येकिमोव ने ये खोज की तब अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। यूएस में जो रिसर्च होती थी वो रशिया की तरफ नहीं पहुंच पाती थी, और रशिया में जो खोज होती थी वो यूएस वाली साइड नहीं पहुंचती थी। आइडियाज न पार कर देने वाले इस अदृश्य पर्दे को द आयरन कर्टेन कहा जाता है। एलेक्सी येकिमोव ने 1981 में जब अपनी खोज के नतीजे एक सोवियत जर्नल में पब्लिश किए तब इसकी जानकारी यूएस की साइंटिफिक कम्युनिटी में नहीं थी। इस खोज से बेखबर एक अमेरिकन साइंटिस्ट अपने काम में लगा था। इस साइंटिस्ट का नाम है लुइस ब्रूस। ब्रूस यूएस की बेल लेबोरेटरीज में काम कर रहे थे। इनका फोकस सोलर एनर्जी के जरिए केमिकल रिएक्शंस करवाने पर था। इसके लिए वो कैडमियम सल्फाइड के पार्टिकल्स यूज कर रहे थे। मकसद था इन पार्टिकल्स के जरिए सनलाइट को कैप्चर करना और इस एनर्जी का खर्च दूसरी रिएक्शंस को करवाने में यूज करना। ब्रूस ने अपने सॉल्यूशन के लिए जानबूझकर छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाए क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए था। ये सरफेस एरिया का क्या है? जब किसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए आप एक बड़े क्यूब को दो हिस्सों में बांटेंगे तो इस सब्सटेंस का टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, फिर इनके जितने टुकड़े करते जाएंगे सरफेस एरिया उतना बढ़ता जाएगा। और केमिकल रिएक्शंस में ना एक सिंपल सा थंब रूल चलता है कि सब्सटेंस का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसकी रिएक्शन उतनी तेज़ी से होगी, क्योंकि रिएक्शंस के होने के लिए टोटल एरिया बढ़ जाएगा जिस पर वो रिएक्शन घट रही है। यही कारण है कि शुगर पाउडर जो होता है बारीक वो शुगर क्यूब से ज़्यादा जल्दी पानी में घुल जाता है, क्योंकि बड़े क्यूब्स के मुकाबले छोटे छोटे पार्टिकल्स का टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है इसलिए तेज़ी से वो रिएक्शन होती है। ब्रूस ने इसी मकसद से कैडमियम सल्फाइड को बहुत छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया ताकि फुर्ती से रिएक्शन हो। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक अजीब सी बात ने उनका ध्यान खींचा। जब ब्रूस ने इन पार्टिकल्स को कुछ देर के लिए सॉल्यूशन में छोड़ दिया तो उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, मतलब ये अलग दिखने लग गए। ब्रूस ने अंदाजा लगाया कि शायद पार्टिकल्स का साइज चेंज होने से ये प्रॉपर्टीज बदल रही है, लेकिन कंफर्म करना था तो इसे कंफर्म करने के लिए ब्रूस ने कैडमियम सल्फाइड के 4.5 नैनोमीटर के कुछ पार्टिकल तैयार किए और इनकी तुलना उन बड़े पार्टिकल्स से की जो 12.5 नैनोमीटर वाले डायमीटर के थे। ब्रूस का अंदेशा सही साबित हुआ। जो बड़े पार्टिकल्स थे वो नॉर्मल लाइट एब्जॉर्ब कर रहे थे जैसे कैडमियम सल्फाइड बल्क मटेरियल आमतौर पर करता है, लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स थे 4.5 नैनोमीटर वाले उनका लाइट एब्जॉर्प्शन ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा था, ब्लू कलर की तरफ। इसका मतलब बड़े पार्टिकल्स ज्यादा वेवलेंथ कम एनर्जी वाली लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं जबकि छोटे पार्टिकल्स कम वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी वाली लाइट सोख रहे हैं। अब ब्रूस को भी यही रियलाइज हुआ कि उन्होंने पहली बार साइज डिपेंडेंट क्वांटम इफेक्ट ऑब्जर्व कर लिया है। उन्होंने अपनी स्टडी के नतीजे साल 1983 में पब्लिश किए। बाद में कैडमियम सल्फाइड की जगह दूसरे सब्सटेंस पर भी स्टडी करके देखी
गई और उनमें भी यही सामने आया कि बड़े साइज के पार्टिकल्स रेड वेवलेंथ के करीब वाली लाइट अब्सॉर्ब करते हैं और छोटे पार्टिकल्स ब्लू वेवलेंथ के करीब वाली। अमेरिकन साइंटिस्ट ब्रूस की स्टडी रशियन साइंटिस्ट येकिमोव के 2 साल बाद पब्लिश हुई, लेकिन ये कहा जाता है कि दोनों का काम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट था और ये मात्र संयोग है कि दुनिया के 2 कोनों में इतने करीबी टाइम पीरियड में 2 साइंटिस्ट सेम चीज खोज लेते हैं। ये खोज बहुत छोटे स्केल पर हुई लेकिन इस डिस्कवरी के मायने बहुत बड़े थे। इस खोज का वजन समझने के लिए एक बार पीरियोडिक टेबल की ओर रुख करते हैं। ये पीरियोडिक टेबल हमें क्या बताती है? ये बताती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स के बदलने से एलिमेंट्स का बिहेवियर कैसे चेंज होता है। क्वांटम डॉट्स की खोज से पहले वैज्ञानिकों के बीच ये कंसेंसस था कि किसी एलिमेंट या केमिकल कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं, इसलिए उसका बिहेवियर भी सेम होना चाहिए, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट से तय होता है इसलिए वो सेम होना चाहिए ना। क्वांटम डॉट्स की खोज से ये बात सामने आई कि नैनो लेवल पर पार्टिकल का साइज भी इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है। इसका मतलब पार्टिकल का साइज बदलने से उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी बदल जाती है। ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन था, जैसे केमिकल्स के बिहेवियर में एक नया डायमेंशन जुड़ गया हो। इसलिए ये कहा जाता है दिस डिस्कवरी एडेड अ थर्ड डायमेंशन टू द पीरियोडिक टेबल। और आपको एक बार फिर याद दिला दें कि क्वांटम डॉट्स सिर्फ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट नहीं करती, मतलब वो दिखने में कैसा है, रंग वगैरह क्या है, इसके अलावा भी दूसरे मौलिक गुण भी बदलते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत प्रकट गुण हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट्स और डेमोन्स्ट्रेशन इत्यादि में उसकी चर्चा ज्यादा होती है। क्वांटम डॉट्स में मटेरियल का बेसिक बिहेवियर ही उनके पार्टिकल के साइज से प्रभावित होता है। कोई केमिस्ट जो नए तरह का मटेरियल तैयार करना चाह रहा है, रिसर्च वगैरह में लगा है, अब उसके पास मैनिपुलेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा फैक्टर है। एलेक्सी येकिमोव और लुइस ब्रूस के काम ने केमिस्ट्री के इस हिडन डायमेंशन को खोज निकाला और प्रैक्टिकल तौर पर दुनिया के सामने रखा। लेकिन इनके काम में एक बड़ी दिक्कत थी। इस दिक्कत के चलते क्वांटम डॉट की कहानी अटकी हुई सी लग रही थी। ब्रूस के काम में यह दिक्कत थी कि इनकी मेथड से जो नैनो पार्टिकल्स बन रहे थे वो अनप्रेडिक्टेबल क्वालिटी के थे, मतलब उनमें कई डिफेक्ट्स निकल रहे थे, उनके साइज बहुत वेरी कर रहे थे। एक हद तक मतलब इस प्रोसेस को कंट्रोल करके एवरेज साइज के कुछ पार्टिकल्स बनाए जा सकते थे, लेकिन ये सभी सेम साइज के नहीं बन रहे थे। अगर किसी को एक ही साइज के पार्टिकल्स चाहिए तो इससे फिर प्रोसेस के बाद अलग से उसको सॉर्ट करके निकालना पड़ता था, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस साबित हुई और ये इस फील्ड के विकास में बड़ी बाधा बनी हुई थी। इसे सॉल्व करने का बेड़ा उठाया तीसरे नोबेल लॉरिएट ने, जिनका नाम है मोंगी बावेंडी, कुछ लोग मुंजी बावेंडी भी कहते हैं। 1988 में बावेंडी ने लुइस ब्रूस की लैब में अपनी पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग शुरू की। ब्रूस की लैब में क्वांटम डॉट्स बनाने वाली मेथड्स को सुधारने पर काम चल रहा था, क्योंकि वो सही नहीं थी। इस दिशा में कुछ हद तक तरक्की भी हुई, लेकिन नए तरीके हाई क्वालिटी क्वांटम डॉट्स बनाने में नाकाफी मालूम हुए। फिर बाद में आगे चलकर बावेंडी MIT में रिसर्च लीडर बन जाते हैं। यहाँ भी वो क्वांटम डॉट्स की क्वालिटी सुधारने की मुहिम जारी रखते हैं। साल 1993 में बावेंडी के ग्रुप को एक बड़ी सफलता हासिल होती है। एक बहुत सिंपल सेटअप के जरिए उन्होंने बेहतरीन क्वांटम डॉट्स बनाने का तरीका खोज निकाला। इनका काम समझने के लिए हमें पहले बावेंडी के ग्रुप का वो एक्सपेरिमेंट जानना होगा। चलो जानते हैं। बावेंडी के ग्रुप ने एक ऐसा सेटअप तैयार किया जिसमें उन्हें कुछ नैनो पार्टिकल्स तैयार करने थे। उन्होंने एक खास किस्म का सॉल्वेंट लिया और उसे गर्म किया। इसके बाद इस गर्म सॉल्वेंट में बाहर से कुछ सब्सटेंस इंजेक्ट किए गए। ये सब्सटेंस इस गर्म सॉल्वेंट में जाकर कैडमियम सेलेनाइड के नैनो पार्टिकल्स बनाने लगते हैं। ये नैनो क्रिस्टल्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हजारों कैडमियम सेलेनाइड मॉलिक्यूल्स के गुच्छे होते हैं एक तरीके से। ये देखा गया कि इंजेक्शन के तुरंत बाद गर्म सॉल्वेंट में कैडमियम सेलेनाइड के क्रिस्टल्स बनने लगते हैं, लेकिन इस दौरान वो गर्म सॉल्वेंट ठंडा भी हो जाता है और क्रिस्टल फॉर्मेशन फिर रुक जाता है। जब बावेंडी दोबारा इस सॉल्वेंट को इसका तापमान बढ़ाना चालू करते हैं तो एक बार फिर क्रिस्टल्स बढ़ने लगते हैं, और जितनी देर वो ये जारी रखते हैं उतने बड़े आकार के क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। इस सॉल्यूशन का तापमान डायनेमिकली बदलकर बावेंडी स्पेसिफिक साइज के नैनो क्रिस्टल्स बनाने में सफल रहे। इन क्रिस्टल्स की बाहरी सतह बहुत इवन और स्मूथ टाइप की थी। जो नैनो क्रिस्टल बावेंडी के रिसर्च ग्रुप ने तैयार किए वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी के थे, ऑलमोस्ट परफेक्ट, और इनकी ये प्रोडक्शन मेथड भी बहुत सिंपल थी। आगे चलकर इनकी ये तरकीब क्रांतिकारी साबित हुई। इनके बाद कई केमिस्ट्स इस नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करने में जुट गए। कई वैज्ञानिक क्वांटम डॉट्स की अनोखी प्रॉपर्टीज के साथ प्रयोग करने लगते हैं और नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड में नई क्रांति आती है। आज क्वांटम डॉट्स नैनो टेक्नोलॉजी के टूलबॉक्स का एक महत्वपूर्ण अंग है। इनके बहुत से कमर्शियल और रिसर्च एप्लीकेशंस निकल कर आए हैं। इनका सबसे चर्चित उपयोग फिलहाल लाइटिंग के डोमेन में मिलता है, क्योंकि मतलब क्वांटम डॉट्स का सबसे प्रकट बिहेवियर इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में नजर आता है।
इसलिए सबसे पहले इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज किया गया और आप लाइटिंग से जुड़े काम में इनका खूब इस्तेमाल देखेंगे। एडिसन के बाद जो शुरुआती लाइट बल्ब तैयार हुए वो बहुत गर्म होते थे, उनकी एनर्जी लाइट की जगह हीट पैदा करने में ज्यादा खर्च हो जाती थी, इससे अनावश्यक बिजली की खपत होती थी। फिर लाइटिंग के विकास क्रम में एनर्जी एफिशिएंट LEDs तैयार हुई, ये कम बिजली खपत करते हुए ज्यादा रोशनी देती हैं। लेकिन इनके साथ एक समस्या ये हुई कि ये ज्यादा ब्लू लाइट देती थी तो वो ठीक नहीं लगती, मुझे तो नहीं लगती रात के समय। क्वांटम डॉट्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब किसी भी ब्लूइश LED लाइट में क्वांटम डॉट्स लगाकर उनको एब्जॉर्ब करके हल्के पीले रंग की रोशनी निकाली जा सकती है, जो कि रात के समय हमारी आंखों के लिए नींद वगैरह के लिए बढ़िया होती है, क्योंकि उससे वो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन, अपन ने सनलाइट वाली वीडियो में समझा था उसको देखना। दूसरी तरफ जब TV स्क्रीन्स बनाने में LEDs का इस्तेमाल हुआ तो वहां भी क्वांटम डॉट्स ने अपनी जगह बनाई और इनके इस्तेमाल से एक नई किस्म की टीवी का उदय हुआ जिसे QLED TV कहते हैं। यहाँ Q का मतलब क्वांटम डॉट्स से है। इन TVs में क्वांटम डॉट्स के जरिए नैनो लेवल पर रेड, ब्लू और ग्रीन कलर्स पैदा किए जाते हैं जिनसे हर रंग के पिक्सल्स बनाए जा सकते हैं। टीवी स्क्रीन्स पर नजर आने वाले हर रंग इन तीन रंगों के कॉम्बिनेशन से तैयार किए जा सकते हैं। इस RGB कलर स्कीम को भी हमने पहले बाइनरी कोडिंग वाली वीडियो में समझा है, सब देखते चलिए, सब रिलेटेड है ये। QLED TV की खासियत यह है कि इसमें क्वांटम डॉट से स्मूथ और एफिशिएंट लाइट निकलती है जिससे बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस का दावा किया जाता है। लेकिन शुरुआती QLED TVs में एक बड़ा डाउनसाइड भी था, वो ये कि इनमें इस्तेमाल होने वाले क्वांटम डॉट्स टॉक्सिक एलिमेंट्स जैसे कि कैडमियम से तैयार होते थे। तो जब इन TVs का काम खत्म हो जाएगा, जो कि आजकल चड्डी बनियान की तरह बदल रहे हैं लोग, और इन्हें डिस्पोज किया जाएगा, तब ये रिस्क होते हैं कि इनके जो जहरीले तत्व हैं वो मिट्टी में फैल सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं अपन लोगों को। रिसर्चर्स के सामने अभी ये बड़ी चुनौती है कि कैसे नॉन टॉक्सिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके बेहतर QLED TVs बनाई जा सके। अच्छा, इन कमर्शियल एप्लीकेशन से इतर क्वांटम डॉट्स ने बायो इमेजिंग जैसी मेडिकल फील्ड में भी अपनी जगह बनाई। हमारे शरीर के कुछ बायो मॉलिक्यूल्स में क्वांटम डॉट्स को अटैच किया जा सकता है और फिर इनके जरिए बाहर से, शरीर के बाहर से सेल्स और ऑर्गन्स को मैप किया जा सकता है। ऐसे क्वांटम डॉट्स के जरिए बॉडी में ट्यूमर की ग्रोथ वगैरह पर भी नजर रखी जा सकती है। तो इसके अलावा क्वांटम डॉट्स में कुछ कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिनसे केमिकल रिएक्शंस को आगे बढ़ाया जा सकता है। केमिस्ट्री में कैटालिसिस किसी रिएक्शन की स्पीड को प्रभावित करने को कहते हैं। इस क्षेत्र में भी क्वांटम डॉट्स यूजफुल साबित हो रही हैं। आज ऐसी बहुत सारी चीजें कमर्शियल और रिसर्च की दुनिया को बदल रही हैं और विशेषज्ञों की माने तो इनके असली फायदे तो अभी डिस्कवर किए जाने बाकी हैं। ये छोटे छोटे मैजिकल डॉट्स हमारी दुनिया को बड़े स्तर पर प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इस काम को आगे बढ़ाने वाले जादूगरों को साल 2023 का केमिस्ट्री नोबेल प्राइज दिया जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, यार ये सब तो ठीक है लेकिन ये नोबेल प्राइज केमिस्ट्री को क्यों मिला है? मतलब इसमें इतनी क्वांटम मैकेनिक्स है, फिजिक्स है, तो केमिस्ट्री, ये कैसी केमिस्ट्री हुई? देखो, क्वांटम डॉट्स की ज्यादातर थ्योरी तो फिजिक्स से समझाई जा सकती है, लेकिन वो थ्योरी तो बहुत पहले पता चल गई थी। इन नोबेल लॉरिएट्स ने जो काम किया है वो प्राइमरीली केमिस्ट वाला काम है, कुकिंग, ब्रेकिंग बैड। इनके काम का जो दायरा है वो प्रचलित रूप से केमिस्ट्री के डोमेन में आता है, लेकिन यार इन सब्जेक्ट्स की बाउंड्री जो है ना वो बड़ी पोरस सी है। रिचर्ड फाइनमैन ने कहा है, ऑल थ्योरेटिकल केमिस्ट्री इज रियली फिजिक्स एंड ऑल केमिस्ट्स नो इट। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने तो एक कदम और आगे जाकर कहा है, ऑल साइंस इज ईदर फिजिक्स और स्टैम्प कलेक्टिंग। और रदरफोर्ड को तो 1908 का केमिस्ट्री नोबेल प्राइज भी मिला है, लेकिन मूल रूप से फिजिसिस्ट थे। तो देखो यार, ऐसे देखा जाए तो हर चीज के पीछे अल्टीमेटली फिजिक्स ही है भाई। भौतिक जगत की हर चीज भौतिकी के दायरे में ही तो आएगी, फिजिकल वर्ल्ड की चीजें फिजिक्स से ही पढ़ी जाएंगी, लेकिन केमिस्ट्री इस फिजिकल वर्ल्ड में उपजे केमिकल्स और केमिकल रिएक्शंस पर फोकस करती है और उसके लिए अलग स्किल सेट चाहिए। बेसिकली केमिस्ट्री अपने स्कोप और अप्रोच में फिजिक्स से बहुत अलग है और उसकी अपनी उपयोगिता है, ऐसे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। खैर, इस पुरानी बहस को किनारे रख दें। इस बात से सभी वैज्ञानिक सहमत हैं कि क्वांटम डॉट्स बहुत बवाल चीज हैं, इनसे नैनो साइंस की दुनिया में एक नए जंगल खड़े हुए, इसलिए क्वांटम डॉट्स को सीड्स ऑफ नैनो साइंस भी कहा जाता है और ये हमारे भविष्य को अच्छा खासा प्रभावित करने वाले हैं। लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में और महत्वपूर्ण है ये, इससे एक ही सब्सटेंस के जरिए अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल तैयार किए जा सकते हैं। फिलहाल हमने क्वांटम डॉट्स को एक्सप्लोर करना भी शुरू ही किया है। कई रिसर्चर्स का मानना है कि भविष्य में इन क्वांटम डॉट्स का असर फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्क्यूल सेंसर्स, स्लिम सोलर सेल्स और शायद इनक्रिप्टेड क्वांटम कम्युनिकेशन जैसी फील्ड्स तक देखने को मिलेगा। भविष्य कोई नहीं बता सकता, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि फ्यूचर में एक्साइटमेंट की कमी नहीं होगी। खुद को इस भविष्य के लिए आपको तैयार करना होगा मित्रों। रोने, डरने और चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। भविष्य की कुंजी इसे समझने, एडवांटेज लेने और धारा को मोड़ने वालों के हाथ में होती है। हो सकता है
आप में से कुछ लोगों को ये पूरा समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि ये सब आप लोगों के लिए बहुत नया हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन हमेशा अपने मन की सीमाओं को विस्तार देते रहिए, इसका अपना लुत्फ है। जिन लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स बवाल या फुल ऑफ सवाल मालूम हो रही है, वो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चेक करें, यहां कहीं चमक रही होगी। और अपनी अगली वीडियो 2023 के फिजिक्स नोबेल प्राइज पर होगी, जिसमें हम एटम्स के भीतर जाकर इलेक्ट्रॉन्स पर प्रकाश डालेंगे। 2022 का जो फिजिक्स नोबेल प्राइज था, क्वांटम एंटेंगलमेंट को मिला था, उसे जरूर समझें, वो भी भाई जादू से कम नहीं है वो भी। और 2023 का मेडिसिन नोबेल प्राइज भी हम डिस्कस कर चुके हैं, mRNA वैक्सीन्स, वो भी अपने आप में एक जादू है। और इतने अंत तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक जादू है। तो यहां तक देखने के लिए इस साधु का बहुत बहुत साधुवाद, आभार रहेगा मित्रों। क्या बोल दिया? मेरे बापू ने बताया था बचपन में, एक और भी दुनिया है कहीं, वो है परियों का देश, रंगीन है भेष, कोई फिकर जहाँ है नहीं। मेरे बापू ने बताया था बचपन में।